हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। मैं सूर्य प्रकाश संगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 13 का DT09 पेपर। अगर हम पेपर की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन थे, थोड़े इजी लेवल के और थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे। तो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री से हम डिस्कशन शुरू करेंगे, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आपका डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, रिएक्शन आपको गिवन है ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, सभी कंपोनेंट गैसियस है। बोला है केसी ऑफ रिएक्शन कितना है, 1/4। तो रिएक्शन इज गिवन है ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है। अबव होमोजेनस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 2 लीटर कंटेनर इन अ पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बाय टेकिंग 1 मोल ईच ऑफ ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। तो इनिशियली ए बी सी और डी सभी का 1 मोल है। इफ केसी फॉर द रिएक्शन इज 1/4, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताना है, राइट। तो इनिशियली हम बात करें, इनिशियली यहाँ पे कितना है, 1 मोल ए का है, 1 मोल बी का है, 1 मोल सी का है, 1 मोल डी का है, कब टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अभी हम यहाँ से बात करें कि क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूसी निकालेंगे। क्यूसी क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी का रेशियो। तो सी का कंसंट्रेशन कितना, 1/2 वॉल्यूम, बिकॉज 2 लीटर है तो मोल्स अपन वॉल्यूम, इंटू डी का 1/2 मोल्स अपन वॉल्यूम, 1/2 इंटू 1/2। तो क्यूसी कितना हो जाएगा, 1। मींस यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। केसी कितना है, 0.25। तो क्यूसी का वैल्यू केसी से ज्यादा है, इसका मीन्स यहाँ पे रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, राइट। तो रिएक्शन जब बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो सी में से कुछ अमाउंट कम होगा, डी में से कुछ अमाउंट कम होगा, रिएक्शन इधर जा रही है तो ए का कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा बनेगा, बी का कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पर आपको रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम केसी की बात करें, केसी क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। तो केसी आपके पास है कितना, 1/4, सी का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 - x/2 इंटू 1 - x/2 अपॉन 1 + x/2 इंटू 1 + x/2। तो बाय टू बाय टू में सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - x, 1 - x, 1 + x, 1 + x, तो क्या हो जाएगा, 1 - x / 1 + x² बोथ साइड रूट ले लीजिए तो कितना मिल जाएगा, ये 1/2 = 1 - x / 1 + x। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 - 2x = 1 + x, तो कितना हो जाएगा, 3x = 1, सो x = 1/3, राइट। तो x का वैल्यू मिल गया। तो आपसे पूछा था देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो सी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना होगा, तो सी कितना हो जाएगा, 1 - x, यानी 1 - x / वॉल्यूम कितना है, कंसंट्रेशन पूछा है तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम का कैलकुलेशन आपको करना है, तो 1 - x / 2 ये कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो 1 - 1/3/2, तो कितना हो जाएगा, ये 2/3/2, मींस कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, 1/3 मोलर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपको फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, अ वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स CO2 विद अ प्रेशर ऑफ 0.5 atm, सम ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड इनटू CO मोनोऑक्साइड ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट, इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0.8 atm द वैल्यू ऑफ Kp इज, Kp का वैल्यू बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इजी है, CO2 इनिशियली था, इन्होंने क्या किया, ग्रेफाइट इसमें मिला दिया सॉलिड, तो क्या बन जाएगा, 2CO गैस, राइट। टी इक्वल टू 0 पे CO2 का कितना प्रेशर था, ये 0.5 atm, तो 0.5 में से जब CO2 मिलाया, CO2 के अंदर CO मिलाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही होगी, तो CO2 का कुछ प्रेशर कम होगा, सपोज x से प्रेशर कम हुआ, अब 1:1 का रेशियो है, अगर ये 1 मोल था तो 2 मोल प्रोड्यूस होगा, मोल्स को हम प्रेशर की टर्म में यहाँ पे, मोल्स को प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वेरी कर सकते हैं, या प्रेशर को मोल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम का वेरिएशन आपको बोला गया नहीं है। तो प्रेशर क्या होगा, मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस हिसाब से मोल्स का वेरिएशन हो रहा होगा उसी हिसाब से प्रेशर का भी वेरिएशन होगा। तो ये 1 मोल था तो 2 मोल बनेगा, ये एक्स एटीएम कम होगा तो ये कितना, 2x atm प्रोड्यूस होगा, तो पी टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस मीन 0.5 + x। तो यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 0.8 atm दे रखा है, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0.3 atm। तो अगर आपको x का वैल्यू मिल गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 0.5 - x मीन 0.3 मीन 0.2 atm
एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ 2 टाइम्स ऑफ एक्स 2 × 0.3 मींस 0.6 एटीएम। अब आपसे केपी पूछा गया है, केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ जो भी कोफिशिएंट ऑफ पानी में डाल दीजिए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो CO का कितना है यहाँ पे 0.6 × 0.6 upon 0.2, तो 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर दे तो कितना हो जाएगा 1.8 atm। तो ये मिल जाएगा आपको केपी ऑफ अबाउ रिएक्शन। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बोला है इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर विच डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आपको दे रखा है कितना -2.303 RT। तो पूछा है के का वैल्यू क्या होगा, राइट। अभी हम रिलेशन की बात करें, डेल्टा जी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी एलएन क्यू, 10 बेस में चेंज करें तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग के। जब इक्विलिब्रियम आता है, सॉरी लॉग क्यू, तो जब इक्विलिब्रियम आता है डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और क्यू किस में, के में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको जीरो कर दें तो डेल्टा जी नॉट इधर आ जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट कितना -2.303 RT लॉग के। तो आपको डेल्टा जी नॉट का इक्वेशन दे रखा है और के का वैल्यू पूछा है, तो ये इक्वेशन क्या है, कंपेयर कर दीजिए 2.303 RT लॉग के की जगह यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मीन्स लॉग के का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर लॉग के कितना होगा 1, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो अगर के का वैल्यू 10 है तो डेल्टा जी नॉट का ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, 4 द रिएक्शन गिवन है आपको, ए गैस प्लस बी गैस से बन रहा है सी गैस एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्पीशीज पीए 0.15 पीसीएन पीवी 0.3 एटीएम इफ द कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस्ड द इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड इन द न्यू सिचुएशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी बिकम ट्वाइस व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में कुछ भी चेंज करते हैं तो अगर आपने टेम्परेचर वेरी नहीं किया है उसके अलावा कुछ वेरिएशन कर रहे हैं तो केसी या केपी का वैल्यू क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो जो इनिशियल पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम वाले दे रखे हैं उससे हम क्या करेंगे, पहले केपी का कैलकुलेशन कर देंगे, राइट। सो आपको दे रखा है इनिशियली इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना दे रखा है 0.15, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना दे रखा है 0.3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना दे रखा है 0.3, राइट। तो अगर हम केपी निकालना चाहें तो केपी कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है 0.3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है 0.3, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 0.15, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप क्या ले सकते हैं 2/0.3 भी ले सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर केपी का वैल्यू इतना है। अब क्या क्या गया है, एट न्यू इक्विलिब्रियम बोला गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बिकम ट्वाइस। तो ए का इनिशियल पार्शियल प्रेशर कितना था 0.15, तो उसके रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, और बी का कितना था 0.3, तो उसके रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 0.6, और पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना होगा। तो अगेन केपी किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आपको पूछा गया है अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 0.3 इनटू बी कितना है 0.6, किसके बराबर होगा 2/0.3, तो 0.3 से 0.3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आपको मिल जाएगा 1.2 एटीएम के बराबर, राइट। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आयोनिक से बोला गया है पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 10 देन ओएच माइनस कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन वुड बी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो पीएच कितना है 10 है, तो एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा 10^-10, अगर एच प्लस 10^-10 है तो केडब्ल्यू के अकॉर्डिंग एच प्लस इंटू ओएच माइनस कितना होता है 10^-14 के बराबर। टेम्परेचर कुछ भी गिवन नहीं है तो आप क्या 25 डिग्री सेल्सियस ही कंसिडर करेंगे हमेशा, तो ओएच माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10^-4 मोलर के बराबर, मोल पर लीटर। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है इफ 200 ml 0.03 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.15 मोलर KOH सॉल्यूशन द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच आपको बताना है। तो अभी क्या कर रहे हैं,
H2SO4 के अंदर KOH मिला रहे हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। H2SO4 प्लस 2KOH क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। आपको यहाँ पे दे रखा है H2SO4 का कितना अमाउंट दे रखा है, 0.03 मोलर एंड कितना 200 ml, और KOH कितना दे रखा है 0.15 मोलर एंड कितना है 100 ml, राइट। तो अभी जो रिएक्शन होती है वो स्टोइकोमेट्री के रेशियो में होगी, मोल्स के रेशियो में होगी। तो आपको यहाँ पे मोलिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो आप मोल्स निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोलिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स निकालना है तो मोलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो मोल्स मिलेंगे, और अगर वॉल्यूम ml में होगा तो मिलीमोल्स मिलेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा ये 6 मिलीमोल ऑफ H2SO4 एंड कितना होगा ये 15 मिलीमोल ऑफ KOH, राइट। अब देखिए यहाँ पे 1 मोल के लिए 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, तो 6 मिलीमोल के लिए कितना 12 मिलीमोल की रिक्वायरमेंट होगी। 12 मिलीमोल रिक्वायर्ड है कितना 15 मिलीमोल। तो H2SO4 क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, और KOH क्या है एक्सेस रिएजेंट है, यानी फाइनली KOH बचा हुआ रहेगा, यानी सॉल्यूशन में बेस रहेगा। तो सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, बेसिक रेंज में होगा या 7 से ज्यादा होगा। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ में से आपको देखना है कौन सा करेक्ट होगा। तो कैलकुलेशन पूरी ही करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 15 में से कितना कम होगा 12 मिलीमोल, यहाँ पे कितना 6 मिलीमोल एंड 12 मिलीमोल, राइट। अब ये तो क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट की वजह से पीएच कितना रहता है 7 ही रहता है। बट सॉल्ट के अलावा यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो पीएच किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग। कितने मिलीमोल बचेंगे, 3 मिलीमोल। मिलीमोल ऑफ KOH आपके पास है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ KOH कितना होगा, मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है 200 + 100 = 300, 1/100 मोलर KOH होगा। तो जितना कंसेंट्रेशन KOH का होगा उतना ही कंसेंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस का ही होगा, क्योंकि KOH से कितना OH माइनस मिलेगा, जितने मोल्स ऑफ KOH है, एक ही तो OH माइनस है। तो जितने मोल्स ऑफ KOH होंगे या जितने मिलीमोल्स ऑफ KOH के होंगे उतने मिलीमोल ऑफ OH माइनस के आपको मिलेंगे। तो जितना कंसंट्रेशन KOH का होगा उतना ही कंसंट्रेशन आपको OH माइनस का मिलेगा। OH माइनस मिल गया आपको 10^-2 मोलर, तो POH मिल जाएगा आपको नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-2 मींस 2। तो pH आप POH 12 मिलेगा, तो pH कितना होगा 14 - POH मींस 14 - 2 मींस 12 आपको pH मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बोला गया है आपको pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaA इफ Ka ऑफ HA इज 10^-6। तो आपको गिवन है Ka ऑफ HA कितना है 10^-6। तो ये Ka मींस ये क्या है, HA वीक एसिड है, राइट। तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दे रखा है, और आपको पूछा है pH ऑफ 0.1 मोलर NaA। अब ये NaA की बात करें क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HA यानी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा, राइट। तो पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको pH किसका निकालना है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का pH निकालना है। तो pH निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करें, pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना होना चाहिए, 10% से कम। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप कैसे निकाल सकते हैं, रूट KH अपॉन C, या फिर KH कितना होता है KW अपॉन KA डॉट C। होपफुली शायद आपको फॉर्मूला पता होगा, रिलेशन क्या होता है, KA इंटू KH किसके बराबर, KW के बराबर होता है। तो KH क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA। तो KW कितना 10^-14, K का वैल्यू 10^-6, कंसंट्रेशन कितना 0.1। तो ये कितना होगा 10^-7, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10^-7 ही बचेगा। तो ये क्या है 0.1 या 10% से कम है। तो आप ये इजिली फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो pH कितना हो जाएगा हाफ pKw कितना है 14 प्लस pKa, K का वैल्यू कितना है 10^-6, तो pKa कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-6 मींस pKa कितना हो जाएगा 6 प्लस लॉग, कितना है कंसंट्रेशन है यहाँ पे सॉल्ट का, जिसका हाइड्रोलिसिस होता है उसका कंसंट्रेशन लिया जाता है। तो जब NaA डिसोसिएट होगा तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पे Na का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर, तो A- भी कितना मिलेगा 0.1 मोलर। A- का हाइड्रोलिसिस होगा, Na+ का
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर Na+ का हाइड्रोलिसिस होगा तो वो वाटर से किसको कैप्चर करेगा? OH- को, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को पकड़ेगा वाटर के। तो Na+ से क्या बनेगा? NaOH, जो कि क्या है, खुद ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो वापस से डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? Na+ + OH-। तो NaOH तो स्टेबल नहीं है एक्वस सॉल्यूशन में, वो Na+ और OH- की फॉर्म में ही मिलता है। तो Na+ का हाइड्रोलिसिस करने से कोई फायदा नहीं है या होने वाला नहीं है उसका हाइड्रोलिसिस। तो A- का कंसंट्रेशन कितना है? 10^-1, तो कितना हो जाएगा? 14 × 4 = 20, 20 - 1 कितना है? 19/2, मींस कितना? 9.5। तो pH आपको कितना होगा सॉल्यूशन का? 9.5। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, इफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा ऑफ 0.01 मोलर डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, इफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज 0.01 मोलर, सॉरी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपको दे रखा है 0.01 दे रखा है ऑफ 1/10 मोलर डेसीमोलर, मींस 1/10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA, देन इसका pKa कितना होगा? राइट, तो pKa आपको पूछा गया है, तो आप अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा ऑफ वीक एसिड क्या होता है? √Ka/C। तो अल्फा आपको पता है, कंसंट्रेशन आपको पता है, तो यहां से आप K निकाल सकते हैं। अगर आपको K पता लग गया तो pKa निकालेंगे। तो यहां पे अल्फा कितना है? 0.01, मींस 1/100 भी बोल सकते हैं। रूट के कितना होगा वही पता करना है, सी कितना है? 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा? 10^-4 = Ka/10। सो Ka कितना हो जाएगा यहाँ पर? इधर चले जाएंगे तो 10^-5। तो pKa कितना होगा? -log of Ka, मींस -log of Ka मींस -log of 10^-5। तो ये कितना मिल जाएगा आपको? pKa 5 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज 1 × 10^-4 द pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का Ka दे रखा है, सब्स्टिट्यूटेड से कोई मीनिंग नहीं है। आप उस पे कुछ बेंजोइक एसिड में H+ को रिप्लेस करके Na लगा दो, K लगा दो, कुछ भी लगा दो, बट उस बेंजोइक एसिड का Ka तो उतना ही रहने वाला है। राइट, तो सॉल्ट बनने से Ka चेंज नहीं होगा। Ka गिवन है 10^-4 25 डिग्री सेल्सियस पर। pH पूछा गया है, pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट का पीएच पूछा गया है। अब बेंजोइक एसिड कैसा एसिड होता है? वीक एसिड। तो वीक एसिड के सॉल्ट का पीएच आप कैसे निकालते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू। तो पीएच डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है, पीएच इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। तो कंसर्न यहाँ पे पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस चेक करें किससे? √Kh/C और √Kw/Ka.C से। तो कितना है यहाँ पे? सिमिलर वैल्यू है क्या? यस, 10^-14 अपॉन 10^-4 × 10^-2। तो कितना होगा? 10^-6, जो कि क्या होगा? 0.1 या 10% से छोटा होगा। तो आप ये फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। तो pH कितना हो जाएगा? हाँ, pKw कितना है? 14 प्लस pKa, -log of 10^-4 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 प्लस log C, कंसंट्रेशन कितना? 10^-2 14 × 4 = 18, 18 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16, 16/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। तो इस सॉल्यूशन का pH कितना मिल जाएगा आपको? 8 मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। बोला है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA, Ka ऑफ HA दे रखा है आपको कितना? 10^-4 एंड Ka ऑफ HB दे रखा है 10^-6। अब देखिए यहाँ पे Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आपको क्या बताता है? एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। K of HA दे रखा है 10^-4, K of HB दे रखा है 10^-6। जो K होता है वो एसिड के डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, एसिड के डिसोसिएशन की स्ट्रेंथ को बताता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, HA क्या होगा? डिसोसिएट होगा जब क्या बनेगा? H+ + A-, तो इसका Ka क्या होगा? H+ × A-/HA। तो यहाँ पर एसिड जितना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा होगा उतना ये प्रोडक्ट बनेगा और उतना ही कम रिएक्टेंट बचेगा। तो जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतने ज्यादा प्रोडक्ट और उतना ही कम रिएक्टेंट, तो Ka का वैल्यू उतना ही ज्यादा। तो जिसके Ka का वैल्यू ज्यादा है उसका डिसोसिएशन क्या है?
ज्यादा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, ग्रेटर द के ए, ग्रेटर द स्ट्रेंथ और ग्रेटर द डिसोसिएशन। तो जितना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा होगा उतना ज्यादा के का वैल्यू होगा। तो ग्रेटर द के, ग्रेटर द स्ट्रेंथ, ग्रेटर द के, ग्रेटर द डिसोसिएशन और अल्फा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि के ए ऑफ एच ए क्या है, के ए ऑफ एच बी से ज्यादा है। ये 10^-4 है, ये 10^-6 है, ठीक है। अब जितना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा होगा उतना ज्यादा एच प्लस प्रोड्यूस हो रहा होगा, राइट। तो एच प्लस आप कैसे निकालते हैं, वी के सिट में रूट के डॉट सी, राइट। कंसंट्रेशन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, तो दोनों को सिमिलर मानते हुए जिसका के ज्यादा उसका एच प्लस ज्यादा, तो एच प्लस किसका ज्यादा होगा यहाँ पर, एच ए का एच प्लस एच बी से ज्यादा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड, इसका के ज्यादा है तो इसका डिसोसिएशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो अल्फा ऑफ एच ए क्या होगा, अल्फा ऑफ एच बी से ज्यादा होगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड बोला है के बी ऑफ बी माइनस इज लेस ग्रेटर देन के बी ऑफ ए माइनस। ये चेक कर लेते हैं, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो वी के एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है के ए इंटू के बी, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू के बराबर। तो के बी आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, के डब्ल्यू अपॉन के ए के इक्वल, राइट। तो जब एसिड यहाँ पर डिसोसिएट होगा तब, अब जब एच ए डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, एच प्लस प्लस ए माइनस। तो ये वीक एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो इस कॉन्जुगेट जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बेस की तरह। तो इसके लिए हम के भी निकालते हैं, तो जब के भी निकालेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बेस की तरह। तो के भी आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, होपफुली आपने ये चीज पढ़ी है। तो के भी क्या होगा यहाँ पे, के बी ऑफ ए माइनस किसके बराबर, के डब्ल्यू अपॉन के ए ऑफ एच ए। तो के डब्ल्यू कितना है, 10^-14 अपॉन के ए ऑफ एच ए कितना होगा यहाँ पे, 10^-4, तो ये कितना होगा, 10^-10 के बराबर, राइट। सिमिलरली के बी ऑफ बी माइनस क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ एच बी। तो के डब्ल्यू कितना, 10^-14, के ऑफ एच बी कितना है, 10^-6, तो ये कितना होगा, 10^-8 के बराबर। तो यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, के बी ऑफ बी माइनस क्या होगा यहाँ पे, के बी ऑफ ए माइनस से ज्यादा। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे यहाँ पे, करेक्ट होंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपको यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बोला गया है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच ए एच बी एंड एच सी आर इस ऑर्डर में है, एच ए का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, देन फिर एच बी है, देन एच सी है। देन आपको पूछा है pH of 0.1 molar solution of Na, A, Nb, NaB and NaC। तो इनका pH का ऑर्डर आपसे पूछा गया है, तो ये सिंपल लॉजिक के बेसिस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले के बेसिस पे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसके सॉल्यूशन का pH उतना ही कम होगा, राइट। जब सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा तो भी pH क्या होगा उसका, उतना ही कम होगा। और दूसरा आप इससे भी देख सकते हैं pH कितना होगा, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। कंसंट्रेशन तीनों में सिमिलर है, के डब्ल्यू तीनों में सिमिलर है, तो पीएच किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, पी के ए के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एसिड का स्ट्रेंथ ये है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ये है, तो के का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, के ए ऑफ एच ए सबसे ज्यादा, देन के ए ऑफ एच बी, देन के ए ऑफ एच सी, राइट। जब के ज्यादा होता है तो पी के ए का वैल्यू क्या होता है, पी के ए ऑफ एच ए कम होगा, बिकॉज आप नेगेटिव लॉग लेते हैं। तो सपोज 10^-2 है, 10^-4 है, 10^-6 है, तो इसका पी के ए क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-2, 2, 4 एंड 6। तो अगर आप पी के ए का ऑर्डर देखें तो पी के ए क्या है, एच ए का पी के ए कम है, देन एच बी का, देन एच सी का। तो जिसका पी के ए ज्यादा होगा उसका पीएच क्या होगा, ज्यादा मीन्स लेस एसिडिक। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दें, यहाँ पे 2 पुट करें, यहाँ 4 पुट करें, यहाँ 6 पुट करें, तो पीएच सबसे कम किसका आएगा, पीएच सबसे कम आएगा एच ए का, सॉरी एन ए ए, देन फिर एन ए बी, देन फिर एन ए सी। तो ये ऑर्डर पीएच का हो जाएगा। तो जहां पे एसिड जितना वीक होगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच उतना ही
ज्यादा होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 बोला गया है Ka of formic acid HCOOH कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁴, एंड Ka of एसिडिक एसिड कितना, 2 × 10⁻⁵ respectively, calculate the relative strength of acid। अब relative strength का means क्या है, degree of dissociation ही है alpha, तो alpha of weak acid क्या होता है, root K upon C के बराबर, तो alpha 1 और alpha 2 का ratio लेना चाहें, concentration के बारे में कोई information given नहीं है, तो आप क्या करेंगे, concentration को similar मानते हुए calculate करेंगे, तो alpha 1 alpha 2 का ratio क्या होगा, root K1 और K2 के ratio के बराबर, तो root K1 कितना होगा यहाँ पे, 2 × 10⁻⁴ अपॉन 2 × 10⁻⁵, राइट, तो ये कितना 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 10⁻⁵, ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, √10/1 के रेशियो के बराबर, तो अल्फा और अल्फा 2 का रेशियो क्या होगा, √10/1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोला है 50 ml solution of pH1 is mixed with 50 ml solution of pH2, the pH of final mixture। तो अब आपको final mixture का pH निकालना है, तो क्या करना होगा, पहले final solution में H+ का concentration निकालना होगा, तो दो acid को आप mix कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को जब mix करेंगे तो volume का variation भी होने वाला है, तो final जब आप दो solution को मिलाते हैं तो वहाँ पे जो आप final concentration निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, law of mixing से, तो H+ of final solution क्या होगा यहाँ पे, M1V1 plus M2V2 upon V1 plus V2, तो दो सॉल्यूशन दे रखा है आपको, pH फर्स्ट सॉल्यूशन का pH दे रखा है 1, उसका वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, तो अगर pH 1 है तो H+ का फर्स्ट सॉल्यूशन है, H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁵ मोलर, सेकंड सॉल्यूशन में pH दे रखा है आपको कितना 2, तो H+ का कंसंट्रेशन सेकंड सॉल्यूशन में कितना होगा, 10⁻², और V2 दे रखा है आपको कितना 50 ml, तो फाइनल सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा यहां पर M1V1 plus M2V2 upon V1 plus V2, तो initially H+ का concentration कितना, 10⁻⁵ × 50 plus 10⁻²× 50 upon total volume कितना है 100, right? तो यहाँ पे millimole plus millimole upon volume in ml, तो क्या मिल जाएगा, concentration कितना हो जाएगा 5 plus 0.5 upon 100 means 5.5 upon 100, ठीक है, decimal को हटा दें 1000 आ जाएगा, 5 से cancel out कर दें, 11 upon 200 मोलरिटी किसकी मिल जाएगी, H+ की, तो pH कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 11/200, राइट, तो एप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आप यहां से कर सकते हैं, अगर इसको 10 मान लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 1/20, तो ये कितना log माइनस log 1/20, 20 को ऊपर लाएं तो कितना हो जाएगा log 20 कितना, log 2 plus log 10, यानी 1.3, तो 1.3 के बराबर pH किस में है, केवल सेकंड ऑप्शन ही है, ठीक है, फिर भी अगर आप एग्जैक्ट यहां पर आंसर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कितना होगा नेगेटिव log ऑफ 11/200, यानी मींस कितना नेगेटिव log ऑफ 11, नेगेटिव log ऑफ 1/200 कितना हो जाएगा नेगेटिव log ऑफ 11, यहां पे ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस में आ गया जाएगा, तो कितना होगा log 200 कितना होगा log 2 plus log 100 means negative log of 11 कितना हो जाएगा लगभग 1.1 plus log 2 plus log 10 raised to power 200, तो log 2 कितना 0.3, log 100 कितना 2 2.3 minus 1.1, तो ये हो जाएगा approximate 1.2 के लगभग, तो 1.2 के लगभग 1.26 आंसर कौन सा आपका सेकंड आंसर है, तो आप एप्रोक्सीमेट लेके करिए या ऐसे करिए, दोनों से लगभग सिमिलर आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखी है वो दूर दूर वैल्यू दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला गया है अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन x माइनस एंड एच एक्स विद देयर कंसंट्रेशन रिलेटेड एज, आपको रेशियो दे रखा है एच एक्स का और एक्स माइनस का, एच एक्स अपॉन एक्स माइनस 0.2 मोलर, ठीक है, रेशियो दे रखा है, इफ द वैल्यू ऑफ के बी आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, के बी ऑफ एक्स माइनस कितना है 10⁻⁹, पीएच ऑफ बफर, ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन का पीएच आपसे पूछा गया है, तो पहले तो आपको ये सोचना होगा कि ये बफर सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक है या बेसिक है, मींस वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस है
या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिडेंट, तो किसका कॉम्बिनेशन है, एच एक्स प्लस एक्स माइनस, तो ये क्या है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। तो इसका पी एच कैसे निकालते हैं, पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, राइट। तो आपको क्या दे दिया इन्होंने, के बी ऑफ एच एक्स माइनस, तो रिलेशन क्या होता है, अभी जस्ट बताया है, वीक एसिड का के और उसका कॉन्जुगेट बेस का के बी किसके बराबर, के डब्ल्यू के बराबर होता है। तो के आपको क्या मिल जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी ऑफ एक्स माइनस, तो 10 रेस्ट टू पावर माइनस 14 अपॉन 10 रेस्ट टू पावर माइनस 9, 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 इसका के ए है, तो पी के कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 मीन्स 5, वैल्यू पुट कीजिए, पीएच कितना होगा यहाँ पर 5 प्लस लॉग, आपको बोला है किसका रेशियो, एच एक्स अपॉन एक्स माइनस, आपको एक्स माइनस अपॉन एच एक्स का रेशियो चाहिए, तो इसका इन्वर्ट हो जाएगा लॉग 1 अपॉन 0.2, लॉग 1 अपॉन 0.2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 प्लस लॉग 5 कितना 5.7, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिजिकल के, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है आपको 0.5 मोल ऑफ H2 इज रिएक्टेड विद 0.5 मोल ऑफ I2 इन अ 10 लीटर कंटेनर एट 444 डिग्री सेल्सियस, राइट, एंड एट सेम टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 49, द रेशियो ऑफ HI एंड कंसंट्रेशन ऑफ HI एंड I2। तो पहले रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन आपको क्या बोला है, H2 दे रखा है, I2 दे रखा है, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे यहाँ पे, HI बनाएंगे, राइट। तो 0.5 मोल H2 था, 0.5 मोल ऑफ I2 था, यहां पर Kc कितना दे रखा है यहां पर 49, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो 0.5 में से कुछ कम होगा, यहां पे 0.5 में से कुछ कम होगा, और ये कितना प्रोड्यूस होगा, 2x प्रोड्यूस होगा। तो अगर आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा, तो जो भी आपको कंसंट्रेशन का रेशियो पूछा है HI टू I2 वो आप बता सकते हैं, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालेंगे, Kc की हेल्प से, Kc कितना होगा यहाँ पर, एक्टिव मास ऑफ HI स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2, राइट। तो HI का एक्टिव मास कितना होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बोला है, कितना लीटर कंटेनर है, 10 लीटर कंटेनर, 2x अपॉन 10 अपॉन 0.5 माइनस x अपॉन 10 इनटू 0.5 माइनस x अपॉन 10, राइट। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज यहां स्क्वायर है, बचा कितना, दोनों साइड 49 इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस x स्क्वायर, बोथ साइड रूट ले लीजिए, तो कितना होगा 7 इक्वल टू 2x अपॉन 0.5 माइनस x, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x इक्वल टू 3.5 माइनस 7x, तो 9x कितना हो जाएगा 3.5, x कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 9, फिर x का वैल्यू मिला, तो मोल्स ऑफ HI कितने होंगे 2x के बराबर मींस 7/9, तो कंसंट्रेशन ऑफ HI कितना होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम 7/, वॉल्यूम कितना है 10 ml, 10 लीटर, तो 7/90 HI का कंसंट्रेशन हो जाएगा। I2 की बात करें, I2 का मोल्स कितना होगा यहाँ पे 0.5 माइनस x, मीन 0.5 माइनस x का वैल्यू कितना है 3.5/9, तो कितना होगा यहाँ पे, LCM ले लें, 4.5 माइनस 3.5 यानी 1/9, तो कंसंट्रेशन ऑफ I2 कितना होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1/9 इंटू 1/10, तो 1/90 आपको I2 का कंसंट्रेशन मिलेगा। आपको किसका रेशियो पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ HI और कंसंट्रेशन ऑफ I2 का रेशियो बताना है। तो HI कंसंट्रेशन 7/90, 1/90, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट ऑफ पेपर DT09। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इन चेन रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन। बच्चों आपको पता है कि मीथेन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन जो है बच्चों होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनते हैं उसमें, और रिएक्शन के मैकेनिज्म के स्टेप की बात करें तो बच्चों ये रिएक्शन 3 स्टेप में पूरी होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों। तो पहला स्टेप रिएक्शन का था जिसमें हम बोलते थे चेन इनिशिएशन। तो रिएक्शन आपको बच्चों पता है कि रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन तो इस तरीके से है बच्चों कि CH4 प्लस क्लोरीन
रिएक्शन होती है बच्चों सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में, और बनता है बच्चों CH3Cl और HCl। बच्चों अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो आपको पता है बच्चों इस रिएक्शन की मैकेनिज्म तीन स्टेप में पूरी होती है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन में बच्चों क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्टेप है बच्चों। दूसरा स्टेप आता है इसका चेन प्रोपगेशन का, और चेन प्रोपगेशन के स्टेप में CH4 और बच्चों क्लोरीन रेडिकल से इंटरमीडिएट बनता है बच्चों CH3 रेडिकल और ये HCl गया। और CP का जो बच्चों दूसरा स्टेप है उसमें ये CH3 रेडिकल क्लोरीन से कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और बन जाता है बच्चों यहाँ पर CL रेडिकल फ्री होता है। तो जो रेडिकल यहाँ पर यूज किया है बच्चों CP के स्टेप वन में, दूसरे स्टेप में वही रेडिकल फ्री होता है, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो चेन टर्मिनेशन का होता है उसमें बच्चों पॉसिबिलिटी आपको पता है, जैसे CH3 और CH3 का माइन कर जाए तो इस तरीके से ये रिएक्शन को टर्मिनेट कर लें, या बच्चों जैसे CH3 रेडिकल CL रेडिकल से कंबाइन कर जाए ये रिएक्शन को टर्मिनेट कर ले, या बच्चों CL रेडिकल कंबाइन कर जाए तो Cl2 बना करके रिएक्शन को टर्मिनेट कर ले। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये स्टेप मैकेनिज्म में आता है बच्चों, ये स्टेप मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। तो ये स्टेप क्योंकि बच्चों हमने आपको कहा था कि H रेडिकल अनस्टेबल होता है, कभी भी नहीं बनता, H रेडिकल अनस्टेबल होने की वजह से इसका फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये इसका पार्ट नहीं। बाकी बच्चों स्टेप 3 और स्टेप 4 भी इस रिएक्शन के पार्ट हैं, ठीक है। तो जो स्टेप मैकेनिज्म का नहीं है वो है बच्चों आपका ऑप्शन है 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ रहे होंगे ये कंपाउंड कौन सा है, ये है NBS, ठीक है। तो NBS का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बच्चों यहाँ पर, और आपको पता है बच्चों NBS का काम क्या है, एलाइलिक या बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करता है, और बच्चों परोक्साइड लिया गया है, तो हमने आपको बताया था कि परोक्साइड के प्रेजेंस में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका प्रोडक्ट है BrCH(CH2), ठीक है। तो एलाइलिक हेलोजिनेशन बच्चों एलाइलिक कार्बन से जो जुड़ा हुआ H है उसको हटा करके आया, तो बच्चों सब्सटीट्यूशन हुआ है, और सब्सटीट्यूशन बच्चों परोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है, तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का बच्चों ये एग्जांपल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सा सवाल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसे पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ब्रोमिनेशन ऑफ फर्स्ट मेंबर इज इजियर देन सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों ब्रोमिनेशन अगेन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन का एग्जाम्पल है, और जिस केस में रेडिकल स्टेबल होगा उस एल्केन का बच्चों ब्रोमिनेशन फास्ट होता है, इजी होता है। बच्चों आइसोब्यूटेन की बात करें तो आइसोब्यूटेन है बच्चों CH3 एंड CH3, ठीक है। और नॉर्मल ब्यूटेन आपको पता है बच्चों CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों यहाँ पर अगर रेडिकल देखा जाए तो बच्चों ये 2 डिग्री का कार्बन है, रेडिकल यहाँ पर स्टेबल बनेगा, तो CH3 CH रेडिकल CH2 CH3, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर रेडिकल की बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन पर बना हुआ रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे स्टेबल वाला रेडिकल बच्चों हमें बताना है यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बच्चों ये ज्यादा स्टेबल होता है इस सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल से। यहाँ पर फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है बच्चों उसका ब्रोमिनेशन आसान है, ठीक है। तो आंसर तो मिला है बच्चों। अब मीथेन और इथेन देखें तो बच्चों मीथेन तो CH4 है, और इथेन क्या है बच्चों C2H6, इसका रेडिकल क्या बना बच्चों CH3 रेडिकल, और इससे रेडिकल क्या बना बच्चों C2H5 रेडिकल, ठीक है। तो बच्चों C2H5 इथाइल रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है, इसका सेकंड पेयर सिमिलरली बच्चों इसमें तो उल्टा करके लिखा है, यहां भी सेकंड, ठीक है। तो अगर बोलेंगे फर्स्ट मेंबर का ब्रोमिनेशन इजियर है तो है बच्चों ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, HBr का एडिशन करवाना है, परोक्साइड दिया हुआ है, तो बच्चों आपको याद होगा ये कौन सा रिएक्शन है, HBr परोक्साइड के साथ फ्री रेडिकल एडिशन होता है और एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। तो बच्चों रिएक्शंस आपको बस पता है तो आंसर्स लाना बहुत ही आसान बात है। तो बच्चों आपको एंटी मार्कोनी का रूल, तो एंटी मार्कोनी का के हिसाब से बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां पर लगा देना है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा हो। तो बच्चों ये CH3 यहां पर H आ गया और ये बना बच्चों CH2Br। ऐसे ऑप्शंस को चेक करते हैं और ऐसा ऑप्शन मिला बच्चों हमें, फर्स्ट वाला ऑप्शन है,
ठीक है, तो एंटी मार्कोनी का रूल से रिलेटेड एग्जांपल था जिसमें फ्री रेडिकल एडिशन हुआ है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCl। तो बच्चों ये एल्कीन है और HCl के साथ एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के टूवर्ड्स रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया है बच्चों। यहाँ पर रेट की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। ठीक है, तो बच्चों इन सभी केसेस में कैटायन बनेंगे और कैटायन बनेगी किस तरीके से बच्चों, अगर आप यहाँ पर सभी में देखें तो सब के सब में कैटायन फॉर्मेशन होगा बच्चों, इस तरीके से रिंग के पास बना हुआ कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। और बच्चों यहाँ पर क्या है NO2 ग्रुप, और इसमें देखें बच्चों, और इसमें देखें OCS3 ये प्लस। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो सबसे ज्यादा रेट बच्चों 3 का होगा। 3 के बाद ये बच्चों इस पे ना स्टेबलाइज कर रहा है ना डीस्टेबलाइज कर रहा है, ये बच्चों बीच में आएगा, और फर्स्ट चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ये कैटायन को डीस्टेबलाइज करता है, ये बच्चों पीछे होगा, ये बात बच्चे हमने आपको बताया हुआ था। इस तरीके का देखिए 3, 2 और 1, तो 3, 2 और 1 आंसर मिला बच्चों आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विल फॉर्म 2,2-dibromo-propane विद HBr। तो बच्चों आप देखें अगर HBr के साथ यहाँ पर बात करें तो बच्चों ये सिर्फ डबल बॉन्ड है, एक ही बार रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों CH3 CHBr एंड CH3। ठीक है, तो यहाँ पर डाइब्रोमो की कोई बात ही नहीं है, डाइब्रोमो तब होगा जब एक ब्रोमीन पहले से हो या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, तो बच्चों ये दोनों ही केसेस हैं, तो आंसर मिला बच्चों आपको इसमें 4। तो अगर हम बच्चों इसमें देखें HBr के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो मार्कोनी का रूल को फॉलो करते हुए चलना है बच्चों, तो CH3 Br डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और बच्चों चूंकि अभी डबल बॉन्ड है फिर से इसमें एक बार HBr की एडिशन हो सकती है, तो ये मिलेगा बच्चों CH3 और Br एंड CH3, तो डाइब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी हम अगर HBr की एडिशन करें तो ये दोनों बच्चों एक ही जैसे हैं, सेम है, तो इनका प्रोडक्ट भी बच्चों क्या है सेम ही बनेगा, 2,2-dibromo-propane। तो आंसर है बच्चों 4th, जिसमें लिखा है बोथ 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रिएक्शन गिवन है और प्रोडक्ट पूछा है कि क्या होगा। जो ध्यान दीजिए डायलूट H2SO4 का मतलब है बच्चों आपके पास H+ और H2O है, तो बच्चों हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है बच्चों, इसमें पहले तो इलेक्ट्रोफाइल है H+, मिलेगा बच्चों pH CH2CH+ एंड CH3, तो पहले ही स्टेबल कैटायन बनाना है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कार्बो कैटायन बना और कार्बो कैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए तो इसका रिंग का रेजोनेंस मिल जाएगा बच्चों इसमें, इसको हम बोलेंगे 1,2-hydride shift। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद मिलेगा बच्चों pH CH+ एंड CH2CH3। अब बच्चों आपको पता है कि जैसे ही कैटायन स्टेबल है इसको बच्चों रेजोनेंस का स्टेबिलिटी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों का स्टेबिलिटी मिलती है, अब ये स्टेबल कैटायन है। अब बच्चों इसमें पानी आएगा और पानी से आने वाला पार्ट क्या है बच्चों OH, तो बच्चों मिलेगा pH और CH OH एंड CH2 CH3, ये है बच्चों आपका प्रोडक्ट, आंसर है बच्चों आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का सवाल है। तो बच्चों यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड प्रॉब्लम पूछा गया है कि बच्चों चूंकि ऑप्शन में सारे के सारे फिशर प्रोजेक्शन दिए हुए हैं, तो बच्चों ये देखिए सिस एल्कीन है और ब्रोमीन का एडिशन बच्चों एंटी होता है, तो सिस एल्कीन एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनता है बच्चों रेसमिक मिक्सर। ये बात बच्चों मैंने बताई थी, आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, पेपर में कभी भी आ सकता है। तो रेसमिक का मतलब बच्चों कुछ इस तरीके से है, अगर हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करें Br और H इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्लस मिरर इमेज होगा,
कि यह रेसमिक है, ऐसे ऑप्शन को आपको देखना है बच्चों। तो ऐसा आंसर दिया है बच्चों आपको इसमें टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वन पेंटाइन को लिया गया है और टू मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्शन कराई है। तो अभी बच्चों इसी तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन हमने देखा हुआ है। तो वन पेंटाइन है बच्चों CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH1 2 3 4 एंड 5। बच्चों अगेन ट्रिपल बॉन्ड है, HCl की एडिशन करानी है बच्चों। तो मार्कोनी का रूल को फॉलो करने हैं बच्चों इस तरीके से। तो मिलेगा बच्चों हमें प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 Cl, जहां पर पहला क्लोरीन आता है वहीं पर दूसरा क्लोरीन भी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। और बच्चों CH3 तो 1 2 3 4 एंड 5। तो मिला बच्चों हमें 2.2 डाइक्लोरो पेंटेन। ठीक है बच्चों, ये इसका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 1-ब्यूटाइन लिया है HgSO4 और H2SO4। तो बच्चों ये क्या है, हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है बच्चों, तो अल्काइन का हाइड्रेशन है। तो बच्चों रिजल्ट आपको पता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। तो 1-ब्यूटाइन है बच्चों, बना लेते हैं हम यहां पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बच्चों, वाटर की एडिशन करानी है, मार्कोनी का रूल को फॉलो करना है। तो हमें मिलेगा बच्चों यहां पर CH3 CH2 OH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ये इनॉल है, इनॉल, और हमने कहा था ऐसा इनॉल अनस्टेबल है बच्चों। तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेबल फॉर्म में क्या है बच्चों, ये टोटोमराइज कर जाएगा, और टोटोमराइज हो करके मिलेगा बच्चों हमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो बच्चों ये इसका प्रोडक्ट है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें बच्चों अगर हम इसमें, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 4, जिसमें दिया है 2.2 डाइक्लोरोपेंटेन। और इसकी बात करें तो इसका है बच्चों इस तरीके का जो ऑप्शन दिखता है वो है आंसर है बच्चों आपका 1। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्किन्स टूवर्ड्स एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की बात बच्चों हमने करी थी कि जो अल्काइंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें बच्चों, तो एल्कीन जो कि डबल बॉन्ड है बच्चों, इसका रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है। रीजन भी बच्चों हमने बताया था कि अगर हम इसमें ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन के एडिशन की बात करें, ठीक है, तो बच्चों ब्रोमीन के साथ एक साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है जो कि CH3 CH2 CH2 Br+ इस तरीके का। और दूसरी बात करें, अगर हमने अल्काइन लिया हुआ है बच्चों, तो अल्काइन में अगर हम यही रिएक्शन करवाते हैं, यहां पर भी एक इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों CH डबल बॉन्ड CH और Br+। तो देख रहे हैं बच्चों एक 3-मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। और इस केस में देख रहे हैं बच्चों ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। तो इसके 3-मेंबर रिंग के साथ डबल बॉन्ड, तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चों, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट क्या है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर बात करते हैं स्टेबिलिटी की, बात करते हैं कि बना हुआ इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बच्चों इस केस में CH2 CH2 Br+ का स्टेबिलिटी बच्चों CH डबल बॉन्ड CH Br+ से ज्यादा होने की वजह से बच्चों अल्काइंस की जो रिएक्टिविटी है वो ब्रोमीन के प्रति बच्चों कम होती है, या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के टूवर्ड्स ये कम होती है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा आंसर दिया है कि बच्चों CH डबल बॉन्ड CH एंड ये Br, इस तरीके का जो साइक्लिक इंटरमीडिएट, इट इज लेस स्टेबल देन दिस वन, दैट्स व्हाई अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। ऐसे आंसर है बच्चों आपका 1। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बच्चों देखिए ब्रोमीन CCl4 इलेक्ट्रोफाइल Br+ है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। H+H2O बच्चों ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, इलेक्ट्रोफाइल H+ है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। बच्चों HBr
इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड बच्चों यहां पर होता है फ्री रेडिकल एडिशन। ये बच्चों फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों फ्री रेडिकल का एडिशन होता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अगर हम बच्चों इसमें देखें तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है और इसका इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों HgOAc+, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। तो जो नहीं है वो है बच्चों 3, जिसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल और फ्री रेडिकल एडिशन देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों HCl है, परोक्साइड है, HBr है, R2O2, तो दोनों ही केसेस में परोक्साइड लिखा गया है और प्रोडक्ट बच्चों बनाया गया है। तो बच्चों HBr परोक्साइड के साथ देखें तो फ्री रेडिकल एडिशन होता है बच्चों, और बात हमने आपको एक बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में फ्री रेडिकल एडिशन देखने को मिलता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है। HCl के केस में भले ही परोक्साइड लिखा रहे, एंटी मार्कोनिक ऑफ या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता। इस केस में बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन H+, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है तो ये आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है बच्चों, आयनिक मैकेनिज्म चलेगी बच्चों यहां पर। ठीक है, और इसमें वाई वाले केस में बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि HCl जब लेते हैं तो परोक्साइड इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट या बच्चों इसमें जो है मर्कोनी एंटी मर्कोनी का एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसे केस में परोक्साइड लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, आयंस बनते हैं। तो अब बच्चों देखना है कि एक्स और वाई के बारे में क्या सही है। तो मैकेनिज्म से पूछ रहा है सवाल, एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ आयनिक रिएक्शन, ये बात सही है, एंड वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्स में आयंस बनते हैं और वाई वाला जो है इंटरमीडिएट है बच्चों वो क्या है, फ्री रेडिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 1-methylcyclohexane से 2-methylcyclohexanol बनाना है और आपसे पूछा है कि इनमें से बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा जो हम इस कन्वर्जन में यूज करेंगे। तो देखिए, तो 1-methylcyclohexane है और हमें बनाना है बच्चों 2-methylcyclohexanol। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो पहला तो है डाइल्यूट H2SO4। अगर हम बच्चों इसमें देखें, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को लिखते हैं कि डाइल्यूट H2SO4, तो बच्चों डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रेशन करवाता है और चूंकि मीडियम एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में बच्चों कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा तो बच्चों ये स्टेबल बनेगा और इसमें वाटर आकर के जुड़ेगा, तो कैटायन स्टेबल है और यहीं पर आकर के वाटर जुड़ जाएगा। तो ये बच्चों ये 1-methylcyclohexanol बना, जबकि आपको बनाना है 2-methyl, तो हम पहला वाला रिएक्शन यूज नहीं कर पाएंगे, ये रिएजेंट जो है बच्चों यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट ये दोनों रिएक्शंस को एक साथ देखते हैं। तो इसमें बच्चों एक तो है OMDM और दूसरा रिएक्शन है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इन दोनों ही रिएक्शंस में देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो हम OMDM की बात करें या HBO की बात करें, तो HBO में इन दोनों का रिजल्ट क्या है बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर, और यहां पर बनता है MKR रूल मार्कोनिक ऑफ और यहां पर बनता है बच्चों एंटी मार्कोनिक ऑफ। ठीक है, और दोनों का रिजल्ट क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर की एडिशन अगर मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करते हुए देखें बच्चों ये इसका प्रोडक्ट है। अगर हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल की बात करें बच्चों तो ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये 1 और 2 ये वो डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। 2-methylcyclohexanol बनता है बच्चों आपको, ऑप्शन है 3। वेलकम बैक बच्चों, हमने DT9 का सॉल्यूशन करना है। DT9 का जो पेपर था उसमें इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे। होपफुली आपका पेपर अच्छा होगा और कोशिश करते हैं इस पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है ना, DT9, ठीक है, DT9।
DT9 में पहला क्वेश्चन देखो, अब एक दिक्कत पेपर के साथ रहेगी, वो रहेगी कि आपको जो पेपर एग्जामिनेशन में मिला होगा वो पेपर आपके जो PDF है उससे डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर रैंडमाइज क्वेश्चंस होते हैं, वो रैंडमली आते हैं। तो आप क्या करना, जो मैं बता रहा हूँ PDF से मैच करने की कोशिश करना, या फिर आप ये कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्वेश्चंस के स्पेसिफिक आंसर्स देख सकते हैं, आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। ठीक है, ट्रू पूछा गया कि कौन कौन सा ट्रू है। पहला आपसे पूछा गया है ज़ियोलाइट्स के बारे में। ठीक है, ज़ियोलाइट्स आर यूज एज आयन एक्सचेंजर, ज़ियोलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर। ठीक है, पहला ये पूछा गया। सेकंड पूछा गया आपसे सिलिकॉन ऑब्टेन फ्रॉम CH3 होल थ्राइस SiCl, सिलिकॉन ऑब्टेन फ्रॉम CH3 होल थ्राइस SiCl will not contain any OH group, ठीक है। थर्ड, अ सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इन C2H5OH, अ सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इन C2H5OH will burn with green edged flame। ठीक है, ये बोला गया आपसे। ठीक है, एंड फोर्थ है ऑल द अबव। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि ज़ियोलाइट्स आर आयन एक्सचेंजर, बिल्कुल ज़ियोलाइट्स आर आयन एक्सचेंजर। अगर आपने हाइड्रोजन ग्रुप पढ़ा है, हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन और कंपाउंड्स पढ़े हैं, उसमें आपने देखा होगा ज़ियोलाइट्स को हार्डनेस ऑफ वाटर के रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। बाकी एक लाइन है NCERT में जहां ये लिखा गया ज़ियोलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर्स, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है सिलिकॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम CH3SiCl विल नॉट कंटेन एनी OH ग्रुप। अब यहां पर आपको दिमाग में रहना चाहिए सिलिकॉन, जब सिलिकॉन बनता है ना बेटा, तो सिलिकॉन बनने की वजह से क्या होता है, ये जो SI के साथ OH होता है ये बाउंड कर लेता है SI के साथ। तो यहां पर CH3 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 इस तरह से रहेगा, यहां पर कहीं भी OH की प्रेजेंस नहीं रहेगी। अगर यहां पर कहीं भी OH की प्रेजेंस नहीं रहेगी, विच मींस आप क्या बोल सकते हो, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि सिलिकॉन ऑब्टेन फ्रॉम CH3 होल थ्राइस SiCl विल नॉट कंटेन एनी OH ग्रुप, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, देखो H3BO3 इसका सॉल्यूशन है, रिएक्ट्स विद C2H5OH। अब ये रिएक्शन करवा रखा है तुम लोगों को कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं BOC2H5OH3, ये बनाते हैं ना, ये कंपाउंड बनाते हैं, और ये तब बनता है जब आपके पास होते हैं ग्रीन फ्लेम होती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो आपके इस क्वेश्चन में थे, पहला स्टेटमेंट क्या, ज़ियोलाइट्स आर यूज्ड इन आयन एक्सचेंजर, दूसरा स्टेटमेंट क्या, सिलिकॉन ऑब्टेन फ्रॉम CH3OH3 SiCl will not contain any OH group, बिल्कुल सही है। Third, a solution of boric acid in C2H5OH will burn with a green edged flame, ये भी सही है। जब तीनों statements सही है तो answer क्या होगा, all the above, the answer will be the fourth answer, the answer will be the fourth answer। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया द स्पीशीज, क्वेश्चन नंबर टू है, द स्पीशीज विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म क्वेश्चन नंबर टू, द स्पीशीज विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म, द स्पीशीज विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म। फर्स्ट, पहला है आपके पास O2, ठीक है, सेकेंड आपके पास O2+, थर्ड आपके पास O2 2- एंड फोर्थ आपके पास H2+।
अगर आप सब में ध्यान से देखें तो आप इसमें पैरामैग्नेटिज्म आराम से देख सकते हैं। अब देखिए O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। अगर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, ये हमने MOT में पढ़ा, तो दिस इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। O2 प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 15 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 इलेक्ट्रॉन्स अगेन क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। O2 माइनस, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होती है? हमेशा डायमैग्नेटिक, हमेशा क्या होती है? डायमैग्नेटिक। तो दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि H2 प्लस क्या है? H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर पैरामैग्नेटिक, थर्ड इज डायमैग्नेटिक। थर्ड क्या होगा आपका? डायमैग्नेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या है? विच स्पीशीज डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म, कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करती है? तो आपको पता है कौन सी नहीं करेगी? जो डायमैग्नेटिक होगी वही स्पीशीज पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following atomic orbitals are overlappings are not allowed? Which of the कौन सी वाली overlappings allowed नहीं है? अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो overlappings पूछी गई है ना, वो दिख तो molecular orbital जैसी रही हैं, लेकिन वो molecular orbital की नहीं, overlapping वो normal overlapping से, कौन सा orbital overlapping करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है? पहली overlapping क्या दी गई है? पहली overlapping क्या दी गई है? पहली overlapping दी गई है, आपके पास एक S है और S के साथ एक P overlap कर रहा है। अब आपको जब पता है, आपको ये पता है कि जब S ओवरलैप करता है तो कभी भी साइडवेज ओवरलैप नहीं करता, वो क्या करता है? वो हेड ऑन ओवरलैप करता है, विच मींस दिस ओवरलैप इज रॉन्ग। अगर ये ओवरलैप रॉन्ग है तो फर्स्ट ओवरलैप क्या हो जाएगा आपके पास? गलत हो जाएगा, फर्स्ट ओवरलैप क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है ना। सेकंड की बात करें, सेकंड मेरे पास है कुछ इस तरह से, है ना, सेकंड मेरे पास है कुछ इस तरह से, है ना, ये ओवरलैप है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये ओवरलैप भी हमने कभी देखा, या तो हेड ऑन हो सकता है या तो साइडवेज हो सकता है, या तो दोनों ऑर्बिटल साइडवेज आ सकते हैं या तो दोनों ऑर्बिटल हेड ऑन आ सकते हैं, वो कभी भी एक साइडवेज और एक हेड ऑन कभी भी नहीं आएगा, और ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सेकंड वाला भी गलत हो जाता है। थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला क्या होगा? ये भी गलत है। अब ये क्यों गलत है? ये हमने एंटीबॉन्डिंग में तो पढ़ा है, लेकिन बेटा आप एक चीज समझो, जब हमने एंटीबॉन्डिंग में इसको पढ़ा था तो हमने एक चीज खास पढ़ी थी कि एंटीबॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद नहीं करता, विच मींस जब ये ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी? मिनिमलिस्टिक होगी, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, विच मींस दिस ओवरलैपिंग क्या बोला गया है? इज नॉट अलाउड, ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, बॉन्ड टूटता है, तो इस वजह से ये भी ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होगी, ठीक है ना। नाउ फोर्थ ओवरलैपिंग क्या बोली गई है? फोर्थ ओवरलैपिंग है कुछ इस तरह से, देखो ये ओवरलैपिंग है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग, बिल्कुल ये अलाउड है, बिल्कुल ओवरलैपिंग अलाउड है ना, बिल्कुल ओवरलैपिंग अलाउड है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग अगेन प्लस प्लस हो रहा है, आपके पास सेम साइड है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग इस तरह से बनेगा। अच्छा, अब आ जाओ साइडवेज ओवरलैपिंग, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है ना, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है ना, तो ये भी ओवरलैपिंग अलाउड है, साइडवेज ओवरलैपिंग भी अलाउड है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग अलाउड है, ये तीनों ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये क्यों नहीं अलाउड है? देखो एक सिंपल सा फंडा है कि वैसे तो ये ओवरलैपिंग अलाउड होनी चाहिए, क्योंकि ये एंटीबॉन्डिंग बना रही है, बट बेटा ये एंटीबॉन्डिंग बना रही है, और एंटीबॉन्डिंग कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है ना, एंटीबॉन्डिंग कभी बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है, इस वजह से ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। वैसे ही कर सकता है, एंटीबॉन्डिंग बना रहा तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एंटीबॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में ये मदद नहीं करता है, बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करता है, बॉन्ड को बनाता नहीं है, बॉन्ड को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है ना, तो CO बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया, आपके पास क्या है? CO3 2 - CO2, ये आपसे पूछा गया, इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, वो क्या बताना है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। जब मैं इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताऊंगा, देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? कुछ इस तरह से बॉन्ड बनता है ना, और यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर्स हैं आपके पास, है ना। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर्स की मैं बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, जब ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3, ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब इसमें अगर देखूंगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर चेंज होगा, जब चेंज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? कितने बॉन्ड्स हैं?
आपके पास चार बॉन्ड है, अगर चार बॉन्ड है और कितने ऑक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तीन ऑक्सीमेट, तो चार बॉन्ड डिवाइडेड बाय थ्री कितना हो जाएगा 1.33, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.33, तो एक बॉन्ड ऑर्डर है 1.33, एक बॉन्ड ऑर्डर है 2, एक बॉन्ड ऑर्डर है 3। अब आपको यह बताना है कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है। अब क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, है ना। अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की जब बात करते हैं तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी होगी CO32-, तो CO32- की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन आ जाएगा, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे कौन आता है बेटा CO2, और उसके बाद कौन आ जाएगा CO, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी CO की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी CO32- की, है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, XeF3, ठीक है, XeF3+, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास SF3-, ठीक है, और प्लस, और नेक्स्ट आपके पास CF3+, ठीक है, आपके पास ये सारी चीजें, और आपसे पूछा गया है कि आपको इनके मॉलिक्यूलर शेप के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, मॉलिक्यूलर शेप, है ना, आपको बताना है मॉलिक्यूलर शेप के बारे में, कि मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा इनका, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखो आपके पास Xe है, अब Xe में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स में से एक प्लस चार्ज आ गया, व्हिच मींस कितने बचे 7, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे और तीन आपके बॉन्ड पेयर हैं, तो फ्लोरीन यहां पर है, फ्लोरीन यहां पर है, फ्लोरीन यहां पर है, और लोन पेयर यहां पर है, लोन पेयर यहां पर है। अब इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, देखो कैसा बनता है इसका स्ट्रक्चर, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, दिस विल बी द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, XeF3+ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, है ये स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर उसमें कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अच्छा कैसा है, टी बेंड टी, बेंड टी बोल सकते हैं, तो बेंड टी शेप का। चलिए नेक्स्ट देखिए, SF3+, SF3+ देखोगे तो कैसा होगा बेटा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहां पर एक लोन पेयर, ठीक है, यहां भी प्लस आ जाएगा, ठीक है, अगर ये आ गया तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसमें एक लोन पेयर है। नेक्स्ट आपके पास CF3 है, CF3+ है, CF3 का है प्लस, तो यहां पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगर ध्यान देखें तो इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 0 लोन पेयर, क्या सबका शेप सेम है, नहीं, सबका शेप डिफरेंट है, ये क्या है बेंटी, ये क्या है पिरामिडल, ये क्या है प्लेनर, तो सबका शेप डिफरेंट है, तो इसमें जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन क्या बनता है, इसमें ऑप्शन बनेगा आपका कि सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, डिफरेंट विद, देखो मॉलिक्यूलर शेप्स क्वेश्चन था, मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ XeF3+ SF3+ एंड CF3-, सॉरी CF3+ आर डिफरेंट, डिफरेंट है सबके शेप्स, ठीक है, विद 2, 1 एंड 0 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, 2, 1 एंड 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे पूछा है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ICl2, और आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए गए, अब यहां से ना, यहां से डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाता है, अगर आप ICl2+ को देखें, ICl2+ को देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप इसको देखते हैं तो आई पे चार्ज कितना होगा बेटा, अगर आप ध्यान से सोचे तो आई पे चार्ज है +1, अगर आई पे +1 चार्ज है तो आई पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, If there are 6 electrons on I, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, क्लोरीन, तो बचे कितने 4, which means लोन पेयर कितने हुए, लोन पेयर हो गए 2, 2 लोन पेयर हो गए आपके पास, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो आपके पास आयोडीन है जिसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये हो गया, और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ टेट्राहेड्रल या आपका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आनी चाहिए, और आपका शेप आना चाहिए बेंट, बेंट, बेंट शेप या फिर वी शेप, ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स में 3 लोन पेयर हैं, पहला फंडा, दूसरा उसमें टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल वाला शेप बना रखा है या ज्योमेट्री बना रखी है, तो वो सारे गलत हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4th, none of these विल बी द आंसर, यहां इसका मॉलिक्यूलर शेप पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, मॉलिक्यूलर शेप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following formula does not correctly represent the bonding capacity of atom involved? कौन सा bonding capacity of atom involved नहीं represent करता? ठीक है? अच्छा, पहला option मैं आपको बना गया TH4+, है ना?
pH 4+ बनाया गया है, तो pH 4+ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सेकेंड ऑप्शन के पास है OF2, तो OF2 कुछ इस तरह से होगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, थर्ड ऑप्शन पास है आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, और कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपके पास, फोर्थ ऑप्शन है HC OOH, ठीक है ये है। अच्छा आप सब जो कौन से नहीं होगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, कार्बन यहाँ पर 5 बॉन्ड बना रहा है, क्या कार्बन कोई 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं। तो अगर कार्बन बॉन्ड 5 नहीं बना सकता तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। फॉस्फरस 4 बॉन्ड बना सकता है, जो चीज 5 बॉन्ड बना सकती है वो 4 कम तो बॉन्ड बना ही सकती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो डेफिनेटली बना सकता है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है बिल्कुल, 2 वो कैसे 3 वो कैसे बनाएगा नॉर्मल, और चौथा कैसा होगा कोऑर्डिनेट, तो वही रिप्रेजेंट हो रहा था। लेकिन कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है 5 बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि आपके पास BeCl2, आपके पास MgCl2, आपके पास CaCl2 और आपके पास BaCl2 है, आपके पास ये 4 है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बताया, ठीक है, आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना है कैसे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो सिंपल सा फंडा बेटा क्या है, सिंपल सा फंडा ये है कि आपको क्या करना है, एक बहुत सिंपल चीज है, पोलराइजेशन आपने पढ़ा, पोलराइजेशन में क्या होता है कि जैसे ही पोलराइजेशन बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, तो यहां पर सिंपल सा फंडा लगेगा पोलराइजेशन का। अब ध्यान से ये सबसे ज्यादा पोलराइज करेगा क्योंकि इसका एटम सबसे छोटा है, ये उसके बाद तो सबसे ज्यादा पोलराइज कौन करेगा, सबसे कम पोलराइज कौन करेगा, बी ए, जिसमें सबसे कम पोलराइजेशन उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, BaCl2 का, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा आपके पास CaCl2 का, उसके बाद किसका होगा MgCl2 का, और उसके बाद किसका होगा BeCl2 का, ठीक है ना। तो ये आपका होगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है, जिसमें डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट आएगा, किसकी वजह से डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि आपके पास ये सारे एटम्स में पोलराइजेशन हो रहा है, बस आपको क्या देखना है किसमें ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है, जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन उसमें ज्यादा डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, तो ऑप्शन कौन सा था, ये ऑप्शन था फोर्थ ऑप्शन सही था, जहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 ने पूछा क्या है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम आयनिक कैरेक्टर, अगेन फजान हुआ क्वेश्चन, मैंने आपको कई बार बोला है जब फजान रूल पढ़ा भी रहा था, तो वो आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर को इंटररिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज ध्यान रखो कि आयनिक कैरेक्टर है तो आपको क्या निकालना है, कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। बस आपको ये चीज फंडा देखना है, आप ऑप्शंस क्या रखे, देखो LiCl RbCl BeCl2 MgCl2, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, पर आपसे ये बोला गया है कि आप इसमें बताएं कि क्या हो, ठीक है, सिंपल सी चीज है, आपको ये देखना है कि किसमें पोलराइजेशन सबसे कम है। अब पोलराइजेशन के लिए फंडा क्या है, देखो सॉरी पोलराइजेशन फंडा क्या है कि आपको ये देखना पड़ता है कि कैटायन एनायन के चार्ज कितने हैं। अब यहां पर एनायन सब में सेम है, तो आपको क्या देखना है, कैटायन, अब देखो कैटायन का साइज ज्यादा होना चाहिए और चार्ज कम होना चाहिए, चार्ज भी क्या होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। अब इनमें देखो चार्ज ज्यादा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इन दोनों में चार्ज कम है तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करूं तो इसमें देखो साइज इसका ज्यादा है, ठीक है, जिसका साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इसका साइज बड़ा है, अगर इसका साइज बड़ा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो दिस विल बी द मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा अब बोला गया मिनिमम ढूंढना है, तो मिनिमम क्या होगा, जिसमें चार्ज ज्यादा उसमें मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, विच मीन्स इन दोनों मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर तो मिनिमम आयनिक कैरेक्टर। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, इन दोनों में देखो कि साइज किसका ज्यादा है, जिसका साइज ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, जिसका साइज कम होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे मिनिमम, तो ये मिनिमम आयनिक कैरेक्टर के साथ है, मिनिमम आयनिक कैरेक्टर, ये मिनिमम आयनिक कैरेक्टर के साथ, ठीक है।
मिनिमम आयनिक कैरेक्टर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो आपने देख लिया आरबीसीएल में क्या है मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, और आपके पास बीसीएल2 में क्या है मिनिमम आयनिक कैरेक्टर, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर लो स्पिन डी फाइव ऑक्टेनाइडल कॉम्प्लेक्स, आपसे पूछा गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, है ना। सिंपल चीज है कि आपसे लो स्पिन बोला गया डी फाइव, तो आपको सिंपल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डी फाइव कैसे बनता है। पहले तो लो स्पिन है, तो लो स्पिन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, नीचे होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे नीचे। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन नीचे हैं तो आपको क्या निकालनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सी एफ एस सी निकालनी है आपको। तो सी एफ एस सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो पांचों इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है माइनस 0.4 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ऊपर पे कितने हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 इंटू 0.6, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा डेल्टा नॉट, ये क्या होगा डेल्टा नॉट, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, अब देखो कितने पेयर हुए हैं, दो पेयर हुए हैं तो दो पेयरिंग एनर्जी आ जाएगी, साथ में क्या आ जाएगी दो पेयरिंग एनर्जी। तो ओवरऑल आंसर क्या है आपका माइनस 2.0 डेल्टा नॉट प्लस 2p, दिस इज द ओवरऑल पेयरिंग, दिस इज द ओवरऑल पेयरिंग, ठीक है ना। तो ये आपकी ओवरऑल पेयरिंग है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पर आपसे सीएफएससी पूछी गई है और सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी माइनस 2.0 डेल्टा नॉट प्लस 2p, ठीक है, दिस इज सीएफएससी वैल्यू। FeH2O whole 3, FeH2O whole, आपसे पूछा गया कि FeH2O whole 6 3 plus आपके पास, ठीक है ये आपके पास। अब आपसे पूछा गया है कि आपको इसका मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, क्या बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या होगा, ठीक है सिंपल सा फंडा है बेटा। देखो आपको पहले तो ये निकालो कि Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप Fe के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो d6s2 होती है, 3d6 4s2 सॉरी 3d6 पेयरिंग नहीं होती, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती, तो इसको इस तरह से ना लिख के आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपके पास एक, ठीक है पेयरिंग नहीं हुई है, और पेयरिंग नहीं हुई तो पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होता है फॉर्मुला n प्लस 2 अंडर रूट, या इसका सिंपल सा एक फंडा होता है कि आप क्या करो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें 0.8 या 0.9 ऐड कर दो, अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू उतनी आएगी, तो आंसर कितना देगा 5.9, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में 0.8 0.9 ऐड कर दो तो आंसर आपका निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आंसर कितना होगा 5.9 आंसर होगा क्योंकि पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक फॉर्मूला दिया गया है और उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको नेमिंग पूछी गई है ना। नेम के हिसाब से क्या है कि आपके पास क्या है PtNH3 होल थ्राइस Br NO2 Cl, ये आपसे पूछा गया है और आपसे Cl भाग दिया गया और आपसे बोला गया कि आप इसका नेमिंग बताएं। अब देखो नेमिंग के हिसाब से होती है, नेमिंग होती है आपकी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता, अंडर रिलेटिव्स बेस्ट ट्रेस उनको इंक्लूड करते हैं, बाकी किसी प्रीफिक्स को इंक्लूड नहीं करते। तो अब देखो यहां ये क्या अमीन है, ठीक है ट्राइमीन है, ठीक है ट्राइमीन है, लेकिन ट्राई वाले को टी तो हम इन्वॉल्व करेंगे तो अमीन ही रहेंगे, तो क्या हो जाएगा ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ठीक है। अच्छा अब ब्रोमीन है, नाइट्रो है, क्लोरो क्लोरो है मतलब क्लोराइडो है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ब्रोमाइड ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमो ब्रोमो, अब यहां पर क्या आ जाएगा क्लोरो, ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीन ब्रोमो क्लोरो ए बी सी, और फिर आगे आ जाएगा नाइट्रो, ठीक है नाइट्रो आ गया आपके पास, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लैटिनम, सारे अंदर के लिगेंड्स खत्म हो गए तो प्लैटिनम आ गया आपके पास, प्लैटिनम के बाद कितना आ जाएगा चार्ज कितना होगा इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रोमीन एक प्लस वन चार्ज देता है, नाइट्रो सॉरी ब्रोमीन माइनस वन चार्ज देता है, नाइट्रो माइनस वन चार्ज देता है और क्लोरीन भी माइनस वन चार्ज देता है, ये तीनों माइनस वन देते हैं और बाहर वाला क्लोरीन भी माइनस वन देता है, तो ओवरऑल चार्ज कितना है माइनस फोर, अगर माइनस फोर चार्ज है NH3 कोई चार्ज नहीं होता तो पीटी पे कितना चार्ज होना चाहिए इस मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखने के लिए प्लस फोर, विच मीन्स प्लैटिनम विल बी इन प्लस फोर, तो प्लैटिनम प्लस फोर में है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास आखिरी में क्या जाएगा क्लोराइड, आखिर में क्या जाएगा क्लोराइड,
दिस विल बी द नेम जो है ट्राइअमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम फोर क्लोराइड. अब यहाँ पर ना कई बार ब्रोमाइडो क्लोराइडो भी यूज किया जाता है, बट दैट इज समथिंग जो यूज की जा सकती है, अगर वो आए तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर 3 था इसका, यहाँ पर ये सही दे रखा था ट्राइअमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम फोर क्लोराइड. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलिप्टिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड इज मैक्सिमम. ठीक है, कौन से में बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड इज मैक्सिमम. अब देखो ऑप्शंस क्या दे रखे आपको. ऑप्शंस पहला है MCO6 ए, ऑप्शन दूसरा है MCO6- और तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन आपके पास MCO6+. ये आपके पास ऑप्शन है. अब कैसे तीन ऑप्शन है और आपसे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल हैव सेम सीओ बॉन्ड लेंथ. ऑल हैव सेम सीओ बॉन्ड लेंथ. आपसे बोला गया ऑल हैव सेम सीओ बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो तीन चार ऑप्शन है. आपसे पूछा गया किसमें मिनिमम किसमें मैक्सिमम होगी बॉन्ड लेंथ, कौन सी बॉन्ड लेंथ सीओ बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसमें होगी. तो ऑब्वियसली सीओ सेम नहीं हो सकती. ठीक है, सेम नहीं होगी. अब इसमें कंपेयर करना है. अब देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है कि आपके पास एक मेटल है, मेटल की बॉन्डिंग कार्बन से, कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से. ठीक है, अब होगा क्या जब कार्बन की बॉन्डिंग देखते हो तो ट्रिपल बॉन्ड है ना. अब मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन को डोनेट करेगा, और जब ये कार्बन को डोनेट करेगा तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगी, विच मींस कार्बन का जो बॉन्ड ले कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 से 2 हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा. एक तरीके से कह सकते हैं रिड्यूस. अगर बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है इंक्रीज. लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मेटल के पास क्या हो नेगेटिव चार्ज या मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो. अब ध्यान से देखो, या मेटल के पास कोई ऐसी डेंसिटी है जो उसको डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकता है. ध्यान से देखो, यहां पर मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर न्यूट्रल है, और यहां पर क्या है नेगेटिव चार्ज. जहां पर जितना ज्यादा चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर पाएगा. जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर पाएगा उतना ही ये वाली बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज डिक्रीज होगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी. Which means इसमें the correct answer is MCO6-. Why it is the correct answer? It is correct answer because what is happening here that metal is donating electron density, and when metal is donating electron density, what is happening? This bond is breaking. ये bond क्या हो रहा है? Oxygen अपनी तरफ electron density को खींच रहा है. Oxygen अपनी तरफ electron density को move कर रहा है, और उसकी वजह से ये bond order reduce हो रहा है और bond length increase हो रही है. ये तभी पॉसिबल है जब मेटल के पास क्या हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो टू शेयर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर किसमें होगा. है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर से कलर कौन शो करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें आपके पास कलर कैसे शो होगा. ठीक है, अब ध्यान समझना, ये प्रोसेस जो चार्ज ट्रांसफर का प्रोसेस है, जो चार्ज ट्रांसफर का प्रोसेस है, ये दो तरीके से होता है, मेटल टू लिगेंड. ये दो तरीके से होता है, मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल. और ये तभी पॉसिबल है जब या तो D0 हो या फिर D10 हो. ठीक है, दो ही केसेस में पॉसिबल है, D0 या D10 में. विच मींस जब होमो से लुमो ट्रांसफर नहीं हो सकता हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, आपने ये D0 की स्प्लिटिंग करवाई, तो D0 में इलेक्ट्रॉन है तो होमो से लुमो ट्रांसफर हो नहीं सकता, कलर शो नहीं करेगा. अगर आप D10 को भी ले लें तो D10 में कैसे फिलिंग होगी, कुछ इस तरह से फिलिंग होगी. अब अगेन इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो तो होमो टू नोमो यहां पर देखो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी नहीं, और जीरो में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी. तो जब D0 और D10 होता है तब चार्ज ट्रांसफर की बात आती है, बाकी सारे केसेस में होमोलोमो ट्रांसफर या DD ट्रांसमिशन की बात आती है. अब आपसे पूछेगा कि लिगेंड टू मेटल कौन करेगा. लिगेंड टू मेटल बेटा तब होता है जब लिगेंड के पास जब जो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अगर मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर पाएगा. है ना, लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा. अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो ये डोनेट करेगा मेटल. है ना, अब समझो
हमारे पास अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पास लिगेंड के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा। अब सिंपल सा फंडा यहाँ क्या कहता है कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर तभी हो सकता है जब डी जीरो डी टेन हो। अब आपके पास ऑप्शन क्या थे, के टू सी आर ओ फोर, आपके पास ये ऑप्शन है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, के टू एम एन ओ फोर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है, थर्ड ऑप्शन क्या आपके पास, ZNO, और फोर्थ ऑप्शन क्या आपके पास, ऑल दीस ऑल, ठीक है। अच्छा अब देखो कि MnO4 को देखोगे तो ये क्या है, D1, इसमें D1 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें D1 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर D1 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि क्या है, Mn क्या है, प्लस सिक्स है, यहाँ पर Mn क्या है, प्लस सिक्स, प्लस सिक्स होगा तो D1 इलेक्ट्रॉन्स, अगर D1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें तो क्या होगा, DD ट्रांजिशन, तो इसमें चार्ज ट्रांसमिशन की बात हम करेंगे। अब ये दोनों बचे, ये है D10 वाला और ये है D0 वाला, ठीक है। अब अगर D10 है तो Zn के पास तो प्लस टू चार्ज ही है ना, प्लस टू चार्ज है, लेकिन यहां पर कैसा चार्ज है, प्लस सिक्स। अगर प्लस सिक्स चार्ज है तो लिगेंड मेटल के पास चार्ज ज्यादा है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो डोनेट कर पाए तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, क्या होगा, लिगेंड टू मेटल। अगर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इस वजह से आंसर फर्स्ट है। तो होपफुली आपको समझ आएगा, चार्ज ट्रांसफर दो टाइप का होता है, मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल, डिपेंडिंग अपॉन किस पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फेशियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म इज सॉल्वड विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फार्मूला, कौन से जनरल फार्मूला से फेशियल मेरिडोनियल रिप्रेजेंट होता है। तो सिंपल से फेशियल मेरिडोनियल तभी आता है, मर तभी आता है जब हमारे पास क्या हो, एम ए थ्री बी थ्री, मेरे पास अगर ये कॉन्फिग्रेशन होगी तो फेशियल मेरिडोनियल आएगा, ये तो फेशियल मेरिडोनियल नहीं आएगा। ठीक है, तो बस बेटा यही था डी टी नाइन पेपर, बहुत सिंपल पेपर था, बहुत आसान पेपर था, होपफुली आप लोगों से हुआ होगा। आपसे आप नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे या नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन मिलेंगे, तब तक थैंक यू फॉर लिसनिंग।